I came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody, 'cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright. Yeah, yeah. Doing anything we like. So hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों में और स्वागत है आपका इंसेन रॉकस्टार ब्लॉग में। तो यार अभी वक्त है शाम का और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों की तरफ अपने गाय और बैल को लेकर। आपको पता है खेतों में काम काज, इतना खेत है हमारे ऊपर, उसको अभी हल लगा देंगे मैं और पापा अभी, तो बस फिर इस साइड का हो जाएगा, बाकी घर वाली तरफ रहेगा वो तो हम कल परसों जब भी मतलब टाइम होगा तो लगाते रहेंगे। और पिछले कल तो बारिश भी होगी तो आज सब कुछ अच्छा है, हरा भरा भी दिख रहा है और थोड़ी धूल जो वातावरण में फैली हुई थी वो भी बैठ चुकी है। तो यहाँ पर मम्मी पहले आ गए थे, उन्होंने झाड़ियाँ वगैरह मेरे पीछे देख सकते हो कि काट दिया है। अब मैं आया हूँ जानवरों को लेके अपने बैल वगैरह को, तो वो थोड़ी देर घास खाएंगे एंड देन हम उनको जोतेंगे जैसे धूप ढल जाती है। तो यार ये देखो सामने बारिश के बाद खेत कितने मस्त दिखाई दे रहे हैं और ये जो धुंध जैसी दिखाई दे रही है ये तो गर्मी है, आजकल बारिश हुई है भले ही लेकिन गर्मी बहुत है यार। और मेरे खेत है इस तरफ ये नीचे, एंड हमारे खेतों में ऐसा होता है मतलब जोतने से पहले ही अभी तक बंजर खेत होते हैं तो उसमें खाद डाल दी जाती है, उसको पूरे खेतों में फैला दिया जाता है, उसके बाद हल लगाई जाती है। आपको दिख रहा होगा गोबर वगैरह एक बार मिक्स कर दिया है, अब जब मक्की डालेंगे तो उस बार और खाद इसमें डालेंगे, गोबर जो भी होता है उसको इसमें मिक्स करेंगे और फिर से हल लगाएंगे। तो ऐसा ही होता है यार, अभी हमारा ये वाला खेत है जो ये दिख रहा है आपको इधर, आज हम यहाँ पर हल लगाने वाले हैं। आज तो मैं और पापा दो ही लोग हैं यार, मम्मी, लेकिन मम्मी का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, थोड़ा मुश्किल होने वाला है, मैं भी तो आज फ्रैक्चर इंसान हूँ। तो यार अभी चल रहा है काम इधर, अब ये देख सकते हो थोड़ा आराम कर लिया क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है परे से, इतना लंबा ही खेत पतला जैसा है लेकिन काफ़ी लंबा है यहाँ से इधर 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 और परे जंगल तक। तो चलो मैं लगाता हूँ अभी फिलहाल।
तो यार कर दिया ख़त्म अपना काम जो भी था, लगा दिए बैल भी, सब कुछ हल भी लगा दिया, डाह भी लगा दिया। तो कड़ी मेहनत के बाद अब हम फ्री हो गए, मतलब खेत वगैरह प्लेन कर दिया यार। तो ये तो मैंने इसलिए उतार दिया था क्योंकि कुर्ता है ना तो धूल मिट्टी में ऐसे ख़राब हो जाएगा, हल लगाते टाइम झुकना भी पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, इस वजह से उतार के लगा रहा था हल। तो यार इतनी कड़ी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, कर देना कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।